अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में मैं अपना और बेबी का हॉस्पिटल बैग पैक कर रही हूँ। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले मैं बेबी की चीज़ें पैक करूँगी और इंशाल्लाह सबसे पहला आउटफिट जो मेरा बेबी पहनेगा वो ये वाला है। हाय, आई एम न्यू हेयर। इसके साथ मैचिंग मिटन्स भी हैं और कैप भी है। अगर आपके आउटफिट के साथ कैप और मिटन्स मैच नहीं हो रहे तो आप अलग से भी मैच करके रख सकते हैं। इस तरह से पूरा सेट बना लें। और इस आउटफिट को मैं इस प्लास्टिक बैग में रख रही हूँ क्योंकि उस वक्त सीन ऐसा होता है कि मदर खुद से उठ के तो आउटफिट निकाल के नहीं दे सकती। सी सेक्शन हो या नॉर्मल हो, आप खुद से उठ के नहीं बैग में से निकाल सकते। आपके साथ आपके हस्बैंड हो या मदर हो, वही तो वो लोग ही निकाल के देते हैं। इसलिए आपने बेबी की जो सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम उसने यूज़ करनी है एक प्लास्टिक के बैग में डाल के रख दें ताकि निकालने वाले को भी आसानी हो। उसके बाद इस प्लास्टिक बैग में मैं रखूँगी ये नेम प्लेट। इसके ऊपर मैंने नाम लिखा हुआ, इसलिए मैं अभी अनाउंसमेंट नहीं करूँगी नेम की। तो ये मैं रख दूँगी इसके अंदर। और आपने एक पेपर पे फर्स्ट आउटफिट लिख कर इसके अंदर रख देना है, ये जैसे कि मैंने रखा हुआ है, ताकि जो आपके हस्बैंड या आपकी मदर जो भी बैग में से निकालें, सबसे ऊपर आपने इसको रखना है तो आराम से वो ये निकालें प्लास्टिक बैग। इस तरह से निकालने वाले को बहुत आसानी हो जाएगी। उस एक मैं ये आउटफिट रख रही हूँ। ये सारे मैंने न्यूबॉर्न आउटफिट रखे हैं। इस आउटफिट के साथ भी इसकी मैचिंग कैप है। मिटन्स इसके साथ नहीं थे, मैंने अलग से मिटन्स का एक पैकेट लिया हुआ था। उसके अंदर 4-5 मिटन्स के पेयर थे, उनमें से मैंने सेम कलर का मैच करके रख दिया। और उसके बाद ये एक ही आउटफिट है। मैं 4 आउटफिट रख रही हूँ। अगर सी सेक्शन होगा तो 2 से 3 दिन रखते हैं और अगर नॉर्मल डिलीवरी हो तो 1 दिन रखते हैं। तो आप सेफ साइड पे 4 आउटफिट लाजमी रखें। एक तो जो फर्स्ट टाइम बेबी ने पहनना है, दूसरा आउटफिट जो घर जाते हुए बेबी ने पहनना है क्योंकि घर भी लोग काफ़ी इंतज़ार कर रहे होते हैं और पिक्स वगैरह भी लेनी होती हैं। तो ये 2 आउटफिट फर्स्ट और जो घर जाते हुए पहनना है ये आपने अच्छा लेना है। इन 2 आउटफिट पे आपने फोकस करना है और 2 और रख लें एक्स्ट्रा, कुछ भी हो सकता है, ज़रूरत पड़ सकती है। और घर जाते हुए जो आउटफिट मैंने अपने बेबी को पहनाना है वो ये वाला ब्लू कलर में लिटिल ब्रदर है। जब इसके भाई इसको लेने आएंगे तो मैंने सोचा था मैं ये वाला आउटफिट अपने बेबी को पहनाऊँगी। इसकी भी मैचिंग कैप है और साथ मैंने मिटन्स खुद से मैच करके रख दिए। इस तरह से पूरा सेट बना के आपने रखना है। और एक टॉवल रखा है मैंने क्योंकि बेबी को शावर दिलाना है। और वाइप्स रखे हैं, हॉस्पिटल वाले वाइप्स प्रोवाइड नहीं करते, पैम्पर्स वो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मैंने फिर भी इनकेस एक छोटा पैकेट पैम्पर्स का रख लिया क्योंकि वो अक्सर जो देते हैं ना वो थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं। तो मैंने छोटे साइज़ के न्यूबॉर्न साइज़ का एक छोटा पैकेट रख लिया है। ये इलेक्ट्रिक नेल फाइलर है, ये मैं रख रही हूँ। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ये यूज़ कर लूँगी, वरना मिटन्स तो मैंने रखे हुए हैं। उसके बाद मैं रखूँगी ये स्वाडल ब्लैंकेट। इसके साथ इसकी मैचिंग कैप भी है, ये स्टार्स और मून वाला मैंने लिया था, मुझे बहुत क्यूट लगा था। और उसके बाद एक मैंने ये वाला टेडी बेयर वाला लिया था। और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं इन दोनों में से फ़र्स्ट टाइम कौन सा किससे अपने बेबी को रैप करूँगी। दोनों मैंने रख ली हैं, एक मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करूँगी और दूसरा मैं घर जाते हुए यूज़ करूँगी। उसके बाद एक मैं मोटा वाला ब्लैंकेट रखूँगी क्योंकि हॉस्पिटल में हर वक्त एसी चलने होते हैं तो बेबी को सर्दी से भी बचाना है, तो एक मोटा वाला ब्लैंकेट बहुत ज़रूरी है। उसके साथ मैंने एक मैचिंग ये पिलो भी लिया हुआ है, तो ये भी मैं साथ रख लूँगी। इसके बाद मैं रखूँगी स्लीपिंग बैग। इसके अंदर बेबी को डाल के आपने रात को सुला देना है और सुबह उठते ही इसको उतार देना है, तो इससे आपके बेबी की नाइट टाइम रूटीन बहुत अच्छी से बन जाएगी। जैसे अगर आपके पास ये स्लीपिंग बैग नहीं है तो आप बेबी को स्वाडल रैप भी कर सकते हैं, उससे भी बेबी अच्छे से सो जाता है। उसके बाद मैं ये रख रही हूँ शावर किट। ये मिनी शावर किट है हिमालय की मैंने ली है। इसमें शैम्पू है, शावर जेल है, बाथ जेल है और लोशन है, तो ये मैंने रख लिया। मिनी साइज़ रख लें आप। अब जी बेबी का सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, अब मैं करूँगी अपनी पैकिंग। मैं अपने टोटल 3 आउटफिट रख रही हूँ और तीनों लॉन्ग ड्रेसेस हैं, मुझे ये ज़्यादा कंफर्टेबल रखते हैं क्योंकि ये थोड़े लूज़ होते हैं बेली से, तो मुझे ये बहुत कंफर्टेबल लगते हैं। और आपका जो भी लास्ट मंथ में जो भी आपका साइज़ हो उससे आप एक साइज़ अप रखें, इससे आप बहुत कंफर्टेबल रहेंगी। ये लॉन्ग ड्रेस मैंने शीन से ऑर्डर किया था, इसको मैं अब फोल्ड करके रख दूँगी आपके सामने ही।
साथ साथ वीडियो भी बन गई और मेरा हॉस्पिटल बैग भी पैक हो गया। कोशिश करें कि 8 मंथ जब स्टार्ट हो फर्स्ट वीक में आप पैकिंग कर लें, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, कभी भी आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। और मुझे फर्स्ट टाइम जब मेरे बेबीज़ हुए थे ट्विंस, तो मुझे बहुत 8 मंथ के स्टार्ट में ही जाना पड़ गया था। तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि 8 मंथ के स्टार्ट में आप पैकिंग करके रख दें, ताकि जब वक्त आए कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइम जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपको ये टेंशन ना हो कि आपने क्या रखना है। जल्दी जल्दी में अच्छे से पैकिंग भी नहीं होती है। दूसरा, ये मैंने ब्राउन आउटफिट रखा है, ये भी मैंने शीन से ऑर्डर किया था। और तीसरा, मैं ये वाला लॉन्ग ड्रेस, ये लॉन का है, ये वाला ड्रेस मैंने निशात से लिया था। यहाँ पर जो दुबई में निशात है ना, यहाँ से लॉन्ग ड्रेसेस भी मिल जाते हैं निशात से, तो ये मैंने वहाँ से लिया था। साथ मैंने 2 लेगिंग्स रखी हैं, एक ब्लू और एक ब्लैक, ड्रेसेस के साथ यूज़ करने के लिए। और मैं हेड कवर करती हूँ, इसके लिए मैंने 2 स्कार्फ रखी हैं, एक ब्लैक और एक ब्राउन। अब आपने कोई एक पाउच सा ले लेना है या बैग लेने है। ये मेरा सिफोरा का बैग है, ये ब्रांड न्यू, अभी मैंने यूज़ नहीं किया, तो ये थोड़ा बड़े साइज़ में भी है, तो इसमें मैं सारी चीज़ें रख लूँगी। सबसे पहले आपने स्किन केयर रखनी है। स्किन केयर करें ना करें, लेकिन दिल की तसल्ली के लिए स्किन केयर को रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सिर्फ बेसिक रख रही हूँ, ये लॉरियल का मॉइस्चराइज़र है, डे मॉइस्चराइज़र, इसमें SPF 20 भी है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो मॉइस्चराइज़र तो आपने रखना ही है। और साथ में एक आपने सन ब्लॉक रखना है, ये निविया का सन ब्लॉक है, डेली सन ब्लॉक SPF 50, ये दोनों चीज़ें रख लें। लेकिन मेरी ड्राई स्किन है, और अगर आपकी भी ड्राई स्किन है तो एक दो प्रोडक्ट आपको एक्स्ट्रा रखने पड़ेंगे। मैं ये एसेंस रख रही हूँ, को SRX का एसेंस है, ये मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि मॉइस्चराइज़र से मेरी स्किन अच्छे से सॉफ्ट नहीं होती। और एसेंस को हमेशा वेट फेस पे यूज़ करना चाहिए। आप पानी से भी वेट कर सकते हैं और टोनर से भी, लेकिन मैं टोनर यूज़ करती हूँ, मुझे इसकी आदत है, इसलिए मैंने एक टोनर भी रखा है और न्यूट्रोजीना का टोनर रखा है मैंने। उसके बाद मैं एक डिओड्रेंट रखूँगी, ये भी बहुत ज़रूरी है, आपने भी नहीं भूलना इसको रखना। और एक मिनी साइज़ का मेरे पास परफ्यूम था, ये मैंने रख लिया। आपके पास जौन सा भी परफ्यूम है, बिग साइज़ का है, जो भी आपको पसंद है, वो आपने लाजमी रखने, परफ्यूम और डिओड्रेंट ये रखना आपने नहीं भूलना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। उसके बाद मैं एक लिप बाम रख रही हूँ, ये टिंटी डेस्क से थोड़ा कलर भी है तो अच्छा लगता है लगाया हुआ। और सिंपल वाले भी मैंने रख लिया है, लिप्स क्योंकि ड्राई हो जाते हैं, जिनकी ड्राई स्किन हो उनके लिप्स भी ड्राई होते हैं, तो मैं लिप बाम के बगैर मेरा बिल्कुल भी गुजारा नहीं है, इसलिए मैंने लिप बाम भी रखा है। उसके बाद जी आप देख लेते हैं मेकअप में क्या क्या रखना है। बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपने रखनी है, इतना टाइम नहीं होता, बस थोड़ा सा आपने फ्रेशन अप करना है अपने फेस को। आप टिंट भी रख सकते हैं और बेबी क्रीम भी रख सकते हैं और फाउंडेशन भी रख सकते हैं। मेरा जी लॉरियल का फाउंडेशन है, हाइड्रेटिंग फाउंडेशन, ये बिल्कुल नेचुरल लगता है, तो मैं इसलिए यही रखूँगी। उसके बाद जी एक अदद आपने ब्लश रख लेना है, जौन सा भी ब्लश आपको पसंद है। मेरे पास ये नार्स का ऑर्गेज्म ब्लश है, ये मेरा दी मोस्ट फेवरेट ब्लश है, ये बहुत नेचुरल, बहुत प्यारा लगता है, और इसमें हल्की हल्की सी शाइन भी है और आपका फेस बहुत ग्लोई ग्लोई लगता है। और ब्लश के लिए आपने एक अदद ब्रश भी रखना है, क्योंकि ब्लश लगाने के लिए ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक ब्रश रख लेना आपने। एक आपने लिपस्टिक रखनी है, जौन सी भी आपको पसंद है आप रख लें, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि पिंक कलर में रखें। मैंने ये मेबेलिन की 960 पिंक, शॉकिंग पिंक लिपस्टिक रखी है, इसको आप डार्क करके भी लगा सकते हैं, लाइट करके भी लगा सकते हैं। पिंक कलर के लिपस्टिक से ये फ़ायदा होगा कि आपका फेस बहुत फ्रेश लगेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ होता है तो स्किन बहुत येलो लगती है, इसलिए पिंक कलर में लिपस्टिक रखें। उसके बाद मैंने टूथपेस्ट रखी है, अपना और हस्बैंड का ब्रश रखा है, और एक मैंने एक्स्ट्रा टूथब्रश रखा है, क्योंकि इन केस अगर गुम हो जाए तो हम लोग ये यूज़ कर लें। वैसे हॉस्पिटल वाले भी ये किट देते हैं ब्रश की और पेस्ट की, लेकिन वो चार्ज करते हैं, इसलिए अपना घर से ही ले जाएं। और ये मैंने मिनी साइज़ में कंडीशनर और लोशन रखा है, अगर मिनी साइज़ में है तो रख लें, ये मेरे पास पड़े हुए थे तो मैंने रख लिया, वरना मैं भी ये दोनों चीज़ें स्किप कर देती। अगर आपके पास नहीं है तो इसको स्किप कर दें, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें भी यूज़ करने का टाइम नहीं होता। मेन चीज़ है शैम्पू, वो आप रख लें। और मैंने सिफोरा और न्यूट्रोजीना के वाइप्स भी रखे, सिफोरा कह रही हूँ, न्यूट्रोजीना के वाइप्स रखे हैं। और ये लॉरियल का, लॉरियल मेरा फेवरेट ब्रांड है, मैं बहुत ज़्यादा इसकी चीज़ें यूज़ करती हूँ, तो ये मैंने इसका मॉइस्चराइजिंग शैम्पू रखा है। मेरे हेयर भी बहुत ज़्यादा ड्राई है, और ये एक मिरर मेरे पास पड़ा हुआ था तो इसलिए मैं रख रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है
तो आप जो ब्लश किट में जो मिरर होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैं रख रही हूँ, क्योंकि उस टाइम बेड से उठने की हिम्मत नहीं होती, तो इसलिए बेड पे बैठे बैठे ही आप मिरर यूज़ करके मेकअप कर लें। और ये मामा अर्थ का उपटन फेस वॉश है, ये इंडियन कोई ब्रांड है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इसके, मुझे ये बहुत पसंद आया। और एक कैचर रखूँगी और स्क्रंचीज़ का पैकेट मैंने एक पैक रख लिया, तीन वाला, ये मेरे से बहुत गुम होते रहते हैं इसलिए मैंने तीन रख लिए एक्स्ट्रा। ब्रश रखा है और ये फ़ैन है, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, जैसे कि गर्मियों में मेरी डिलीवरी है, बेशक एसी लगे होते हैं हॉस्पिटल में, लेकिन मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा गर्मी लगती है फेस पे, तो मैंने ये रख लिया है, ये मैंने स्पेशली लिया था, पता नहीं मैं यूज़ करती हूँ कि नहीं, लेकिन इन केस मैंने रख लिया है। और थोड़े से कॉटन बर्ड्स भी रख लें शावर लेने के बाद, इसकी ज़रूरत पड़ती है और मेरे हस्बैंड तो लाजमी इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के कपड़े रखूँगी, क्योंकि हॉस्पिटल में मेरे साथ वही जाएंगे और मदर मेरी घर में रहेंगी मेरे बच्चों के पास। दो टी शर्ट्स और दो शॉर्ट्स रखी हैं मैंने, बस ये अब मेरी और हस्बैंड की पैकिंग भी होगी है पूरी। आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अलग से बेबी बैग ना रखें, एक ही बैग में सारी चीज़ें रख लें ताकि एक ही जगह में सारी चीज़ें हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।